नीमच में अवैध रूप से बिना परमिट चल रहे सवारी ऑटो की रोकथाम के लिए शुक्रवार दोपहर को उच्च न्यायालय ने सभी विभागों को कार्यवाही करने के लिए निर्देश जारी किए, जिसके बाद नीमच पुलिस अधीक्षक सूरज कुमार वर्मा ने यातायात पुलिस को शहर की सड़कों पर धड़ल्ले से दौड़ रहे बिना परमिट अवैध सवारी टेम्पो पर कार्यवाही करने को लेकर पुलिस को निर्देश भी दिए गए। यातायात प्रभारी मोहन भर्रावत की टीम ने अवैध सवारी ऑटो पर दोपहर से ही ताबड़तोड़ कार्यवाही करना शुरू कर दिया। वहीं कुछ ऑटो संचालकों का परमिट होने पर अगर किसी कागजात में कमी पाई जाती है तो अन्य धाराओं के आधार पर चालानी कार्यवाही भी की गई। ये विशेष अभियान सप्ताह भर चलेगा। इस अभियान में सवारी ऑटो के ऊपर अब बिना परमिट अवैध पाए जाने पर ऑटो जब्त कर लिया जाए, ऑटो जब्त कर न्यायालय में पेश किए जाएंगे। अब कागजात कंप्लीट करने को लेकर कोई भी समझाइश नहीं, कोई समय सीमा पुलिस द्वारा दी जाएगी। जी सर आज किस प्रकार की कार्रवाई की गई है यातायात पुलिस द्वारा? माननीय उच्च न्यायालय के द्वारा जो है एक निर्देश सभी विभाग को जारी किए गए हैं, जिसमें जो बिना परमिट के जो ऑटो संचालित हो रहे हैं इनके लिए एक विशेष अभियान साप्ताहिक चलाया जा रहा है। पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देशन में आज जो है यातायात थाने के सामने ऑटो हमने चेक करे हैं, ये जिसमें जो बिना परमिट के जो ऑटो चल रहे हैं उनको जब्ती में लिया जा रहा है और माननीय न्यायालय से उनका निराकरण कराया जा रहा है। सर ये कागज वगैरह कुछ समय सीमा दी जा रही है सर इसकी? नहीं, समय सीमा तो ये क्योंकि पिछले वर्ष भी ये पूरा बड़ा अभियान चलाया गया था और उसमें भी बहुत सभी को समझाइश भी दी गई थी, तमाम इसमें जुर्माने भी हुए थे लोगों को, लेकिन अब समझाइश करनी है। अब ये विशेष अभियान है, इसमें जो अवैध ऑटो जो हैं जिनमें परमिट नहीं है ऐसे ऑटो को जब्त कर भी न्यायालय के द्वारा ही इसमें निराकरण किया जाएगा। सर अभी कोई चालान वगैरह बनाए गए ऑटो संचालकों? नहीं, जो जिनके पास में परमिट कंप्लीट है, अन्य धाराओं में अगर कमी पाई जाती है तो अन्य धाराओं के जुर्माना हम करने में सक्षम है, अन्य अगर कोई भी बिना परमिट के हैं तो वो माननीय न्यायालय के द्वारा ही उसका निराकरण किया जाएगा। देखते रहिए डीवी भारती समाचार, नजर हर खबर पर।